खाद की कालाबाजारी मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि चाहे किसी का भी रिश्तेदार हो, बख्शा नहीं जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यदि उनका खुद का रिश्तेदार भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। गुना के कृषि अधिकारी को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कृषि अधिकारी ने चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना के तेवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। उन्होंने खाद की कालाबाजारी करने वालों को दो टूक में नसीहत देते हुए कहा कि गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में माफिया राज नहीं चलेगा। सिंधिया ने चुनावी वादों को याद करते हुए कहा कि खाद की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे। खाद के मामले में भी मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि समिति के द्वारा ही इसका वितरण होना चाहिए, नहीं तो इसकी भी कालाबाजारी की रिपोर्ट्स मुझे आ रही थी। सब पर अंकुश लगाया जाएगा। गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में चाहे आपका हो, चाहे अध्यक्ष जी का हो, चाहे विधायक जी का हो, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो या कोई सहयोगी हो या कोई पार्टनर हो या कोई न जानते हुए भी मेरी कनेक्शन हो, जिसका भी व्यक्ति हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सही सही है, गलत गलत है। ये खाद के मामले में भी मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि सोसाइटीज के द्वारा ही इसका वितरण होना चाहिए। हाँ, क्योंकि नहीं तो इसकी भी कालाबाजारी की रिपोर्ट्स मुझे आ रही थी। सब पर अंकुश लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।